हेलो एवरीवन, पिछले दो लेक्चर में आपको मैंने पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ट्रिक बताई थी और आपको एटॉमिक नंबर किसी का भी कैसे हम निकाल सकते हैं उसका तरीका बताया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 10 सेकेंड हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना भी एटॉमिक नंबर हो, 100, 200, कितना भी एटॉमिक नंबर हो आसानी से हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कहते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न रहेगा तब आप एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या नाम है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। दिया है कि एन एलिमेंट जेड एटॉमिक नंबर दे रहा है 114, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 114 वाले से। तो देखिए जेड इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है आपका, 114 दे रहा है। अब बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको नॉबल गैसों के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उसका सेल नंबर। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडन, क्या याद होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है आपका, ठीक है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है और ज़ेनन का 54 और रेडन का 86। ठीक है, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर और सेल नंबर याद होना चाहिए। इसका एन इक्वल्स टू 1 होता है, इसका एन इक्वल्स टू 2 होता है, इसका एन इक्वल्स टू 3 होता है। किसी भी चीज़ को सिखाने में समय लगता है, अभी देखिएगा विद इन मैं तो 5 सेकेंड में लिख लूँगा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकेंड में लिख लेंगे। इसका एन इक्वल्स टू 4 होता है, इसका एन इक्वल्स टू 5 होता है और इसका एन इज इक्वल्स टू 6 होता है। ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है तो 5 सेल नंबर, यहाँ 6 आ रहा है तो 6 सेल नंबर। ठीक, तो आपको पहला स्टेप क्या सोचना है, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर लिखना है पहला स्टेप आपको ये सोचना है कि कौन सी नॉबल गैस है जो इससे पहले आ रही है। तो 114 से पहले कौन सी नॉबल गैस आ रही है, रेडॉन 86। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए रेडॉन 86। ओके, ये स्टेप आपको सोचना है कि कौन सी नॉबल गैस आ रही है और इसका सेल नंबर क्या है, इसका सेल नंबर कौन सा है, 6। बस इतना काम है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको। कि जो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसको, उसमें से आपको ये सोचना है कि उससे पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है और उसका सेल नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ से काम बहुत आसान है, सेल नंबर पता चल गया तो इसके बाद जो भी एस पी डी एफ ऑर्बिटल भरे जाएंगे ना इससे निकल जाएंगे। देखिए इसके बाद जो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल भरेगा वो कौन सा भरेगा, एन प्लस वन वाला भरेगा, मतलब एन की वैल्यू 6 है, मतलब 7s भरा जाएगा और 7p भरा जाएगा। ठीक है, डी के लिए क्या कहते हैं, जो एन होता है वही डी ऑर्बिटल भरा जाता है, एन डी मतलब 6d भरा जाएगा। एफ के लिए क्या करते हैं, जो एन होता है उनमें से एक माइनस कर देते हैं, एन माइनस वन एफ ऑर्बिटल भरा जाता है। ठीक है, तो मतलब 6 में से एक माइनस कर देते क्या बना जाएगा, 5f ऑर्बिटल। ठीक, हमें पता चल गया भैया मेरे कि इसके बाद इन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, ये तो पता है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सबको पता रहता है यार। ओके, अब ये सवाल उठता है इन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब ये सवाल उठता है इनमें से सबसे पहले किस में भरेगा, तो आप बाहु रूल लगा सकते हो, लेकिन इन जनरल याद रखो इसमें क्या नाम, एस में पहले भरना उसके बाद नीचे से ऊपर भरना, मतलब 7s में पहले भरना उसके बाद 5f उसके बाद 6d उसके बाद 7p। ये आया कहाँ से, आप बाहु रूल लगा दो, एन प्लस वन रूल, इसके एन प्लस एन की वैल्यू 7 आएगी, इन तीनों के एन प्लस एन की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, तो आप बाहु ने क्या कहा था कि जिनके एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है वो पहले भरते हैं, मतलब क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, तो एन प्लस एन की वैल्यू इसके 7 है तो ये पहले भरा जाएगा, मतलब इसके बाद 7s भरा जाएगा। उसके बाद इनके एन प्लस एल की वैल्यू इक्वल है तो एन प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वो पहले भरे जाते हैं जिनके एन की वैल्यू कम होती है। तो देखो 5f 6d और 7p। ओके, तो आप बाहु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन पहले भरेगा कौन बाद में भरेगा पता चल गया। तो आप इन जनरल याद रखिए कि ये जो निकालेंगे ऐसे आप ना, तो उसमें 7s पहले भरिएगा उसके बाद नीचे से ऊपर भरिएगा। ओके, तो देखिए 86 हो गया, अब 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 7s2 हो गया। ओके, उसके बाद किस में भरना है, 5f में भरना है, तो f में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5f 14 हो गया। ओके, d में भरेंगे हम 6d 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो काउंट करते चलिएगा, 86 और 4 कितना हो गया, 90, 90 एक 10 100 हो गया, 100 और ये कितना हो गया, 100 102 और ये हो गया 112, बचा कितना है आपका, 2 बचा हुआ है, तो मतलब पी में भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, 114। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 114 का, सो सिंपल। ठीक है, 114 का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा,
आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ इधर इसको इधर उधर करके दे सकता है, देखिए ये वाला रिडन के बाद, रिडन के बाद क्या है हमने भरा, सिक्स सेवन एस टू भरा, सेवन एस टू, उसके बाद से क्या मैंने हमने भरा फाइव एफ फोर्टीन, फाइव एफ फोर्टीन भरा, उसके बाद से क्या भरा हमने सिक्स डी टेन, सिक्स डी टेन, उसके बाद सेवन पी टू। ओके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन फैमिली का है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए इतना मुझे बताने में समय लगा, अब मान लीजिए अगर डायरेक्ट आपको ये रूल पता है तो आपको लिखने में कितना समय लगेगा, जैसे मान लीजिए 82 का लिखना है, ठीक है, तो 82 से पहले मैं जानता हूँ कौन सी नोबेल गैस आती है, जेनॉन 54, ठीक है, इसका सेल नंबर पाँचवा है। ओके तो मैं आप लोग ये निकालते हैं, अगर ये निकाल के प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आपका एस पी भरा जाएगा, मतलब एस और पी के लिए क्या करेंगे, एन प्लस वन कर देंगे, तो सिक्स एस भरा जाएगा, सिक्स पी भरा जाएगा। ओके उसके बाद से कौन सा डी के लिए कर देंगे, एन डी। ओके तो यहाँ पे फाइव डी भरा जाएगा, और एफ के लिए क्या कर देंगे, एन माइनस वन एफ। ओके तो यहाँ पे कौन सा फोर एफ भरा जाएगा, सिंपल, एस में पहले भर दो सिक्स एस टू, उसके बाद नीचे से ऊपर फोर एफ फोर्टीन, ठीक है, उसके बाद फाइव डी टेन, काउंट करते रहो यार, चौवन और ये चौवन दो छप्पन हो गया, छप्पन चार साठ हो गया, थोड़ा नॉइज हो रहा था इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा। देखिए चौवन दो हो गया छप्पन, छप्पन और चार साठ होता है, साठ दस सत्तर, सत्तर दस अस्सी हो गया, बचा कितना, दो बचा हुआ है, और ऑर्बिटल कौन बचा हुआ है हमारे पास, पी बचा हुआ है, तो यहाँ पे दो भर देंगे, ठीक है। ओके बयासी हो गया सिंपली, ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखते हैं। ओके बस ऐसे लिखते समय एक बात का ध्यान में रखिएगा कि डी ऑर्बिटल की शुरुआत 3d से होती है, और फोर एफ ऑर्बिटल की बात 4f6, मतलब f की शुरुआत 4f से होती है। अगर आपको ऐसे अगर आप निकाल रहे हैं, आपका 3f आ जाए या 2f आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसी तरह आपका 2d आ जाए, 1d आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डी ऑर्बिटल की शुरुआत 3d से होती है और f ऑर्बिटल की शुरुआत फोर्थ पीरियड से होती है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था पिछले दो तीन लेक्चर्स में इनको बताया था ना कि इसमें तीनों चीज़ों का यूज़ हो रहा है, ये वाला कि एन एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमने 33 निकाला था, एक्स का एटॉमिक नंबर 33 निकाला था, अब 33 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 33 से पहले कौन सा आ जाएगा यार, आर्गन 18, इसका सेल नंबर कितना होता है, तीसरा होता है, तो तीसरे से निकालेंगे तो 4s निकलेगा, 4p निकलेगा, ठीक है, 4 और 3d निकलेगा, और यहाँ पे 2f निकल जाएगा, तो 2f तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है लेकिन 3d एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा आपका, उसके बाद से d में भरेंगे, नीचे से ऊपर भरते हैं, ये भरेंगे नहीं तो नीचे से ऊपर, उसके बाद 3d10 हो जाएगा आपका, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 3d10 के बाद 4p, देखिए कितना बचा, 18 2 हो गया 20, 20 10 30 और यहाँ 4p 3 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसके ps में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है, इट हैज़ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल एंड कम्प्लीटली फिल्ड एस एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल कम्प्लीट है, यहाँ पे देखिए s2 है और d10 है, कम्प्लीटली फिल्ड एस एंड डी ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, तो इसका आंसर d हो जाएगा। तो JEE वाला जब पूछता है तो यहाँ पे तीनों चीज़ की जरूरत पड़ी, आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होगा तभी आप x का पता लगा पाएंगे, और पीरियोडिक टेबल लर्न होने के बाद आपको एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका आएगा तभी आप एटॉमिक नंबर पता कर पाएंगे, और जब एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल से लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जगह जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालिए, सीएफएससी वैल्यू निकालिए, हर जगह आपको ये जरूरत पड़ती है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इन तीन बेसिक चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लीजिए, अगले ट्रिक में आपको बताऊंगा, ठीक है, अगले ट्रिक में देखता हूँ क्या बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो का अच्छा लगा हो तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है मेरे भाई, शेयर करो इसको।